परिवार में। तो यहाँ पे खुशी झा हमारी एक व्यूअर्स हैं, इनका सवाल आया है कि सर अभी न्यूज़ आ रही है कि सिविल रूरल इंजीनियरिंग को BTSC JEE से निकाल दिया गया है, क्या ये सच है? और दूसरा सवाल है कि स्पेशल सिविल रूरल इंजीनियरिंग का कौन सा डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती है, प्लीज़ बता दीजिए। तो डियर्स, दूसरा सवाल का जवाब है कि कोई भी स्पेशली और सिविल रूरल इंजीनियरिंग के लिए कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। स्पेशली आप मानकर चल सकते हो कि रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट जो होता है, RWD, आप उसे लेकर चल सकते हो, ठीक है। बट कोई स्पेशली नहीं होता है कि हाँ सिविल रूरल से किया है तो ही वो उसमें जॉब ले सकता है, ठीक है। जो भी सिविल इंजीनियरिंग जो है वो रिलेटेड है सिविल रूरल। सिविल रूरल मतलब बेसिकली ये इसलिए नाम दिया गया है ताकि रूरल डेवलपमेंट भी जो है किया जाए, रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट किया जाए, इसलिए इस सिविल रूरल इंजीनियरिंग नाम दिया गया। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपका जो है जो डिपार्टमेंट आया है सिविल का है उसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और रही बात BTSC JEE की, तो BTSC JEE में वैसा अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया है, कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है कि सिविल रूरल इंजीनियरिंग को हटा दिया गया है। यहाँ पे जो है ये नोटिस है 26/3/2022, यानी आज से 3 से 4 दिन पहले का नोटिस है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC के तरफ से जो है ये नोटिस निकाला गया है। इसमें जो सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो JEE का जो पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई थी विज्ञापन नंबर 1/2019 में, उसके ऑब्जेक्शंस को लेकर जो है यहाँ पे बात किया गया था, है ना। अनुभव के आधार पे यहाँ पे सारी चीज़ें ली जाने वाले थे, तो इसमें कई सारे केसेस चल रहे थे। तो यहाँ पे जो है नई अपडेट आई थी, तो इस नोटिस में जो 26 तारीख का नोटिस आया है, इस नोटिस में कोई भी पॉइंट वैसा नहीं लिखा गया है जहाँ पे आपको यह स्पष्ट करे कि हाँ सिविल रूरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जो है BTSC JEE अब नहीं लेगा। बात करें आपका सिलेबस का, तो सारा सिलेबस सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो फिर इसको निकाला क्यों जाएगा, है ना। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो एक्स्ट्रा पढ़ना है। हाँ, आप लास्ट सेमेस्टर में जाओगे तो आपको एक इलेक्टिव पेपर आएगा, अगर वो भी इलेक्टिव पेपर भी आप देखोगे तो लगभग सेम है। वो आपके ऊपर या कॉलेज के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से पेपर को चूज करके आप पढ़ना चाहते हो, है ना। क्योंकि मान लो कि कोई, जैसे अभी तुम देखो मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, वो सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज का, सॉरी सुपौल पॉलिटेक्निक कॉलेज का है, तो वहाँ पे जो है उसको मेंटेनेंस एंड रिहैबिलिटेशन इंजीनियरिंग लिया है इलेक्टिव सब्जेक्ट में। फिर गोपालगंज में देखोगे तो वहाँ पे माइक्रो इरिगेशन लिया है। फिर और सब जगह पे देखोगे तो एडवांस इक्विपमेंट भी लिया है। तो ये आप 6 सेमेस्टर में आपके ऊपर जो इलेक्टिव पेपर है वो आपके चॉइस के ऊपर है, बाकी सारा पेपर आप देखोगे तो सेम है, तो फिर ये अलग कहाँ से हुआ, है ना। कुछ भी तो अलग नहीं पढ़ना है, जैसे कुछ भी अलग पढ़ना रहता तो एक बात भी थी कि चलो भाई ये ऐसा है। और इस नोटिस में भी ऐसा कहीं पे दावा नहीं किया गया कि हाँ उस चीज़ को हटाया गया है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, आई होप इस तरीके का मिसलीड से दूर रहें, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर ऑफिशियली नोटिस आती है तो ही आप उसे मान सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।